सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मेरे साथ में आज पेट्रोल भी है और ये फावड़ा भी है, और आज अभी सही 15 से 20 मिनट पहले इस लोकेशन पे हमारे साथ में एक ऐसी घटना हुई है कि हमारी सारी टीमें करीब करीब यहीं पे थी। मनोज भाई, किशन भाई, सब करीब करीब साथ में हो गए थे हम, मगर एक ऐसी जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं करी थी, जिसका जिक्र मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर भी करा, वो एक ऐसा गोस्ट, इतना खतरनाक गोस्ट हमारे को नजर आया कि हमें उस लोकेशन से वहाँ से भागना पड़ा। और करीबन आधे से पौन घंटा हो चुका है अभी तक मेरे साथ में, केवल जो उस मोहल्ले से मेरे साथ में जो पिंटू भी आए थे केवल वो मेरे साथ में, बाकी अभी फिलहाल जस्ट मेरे साथ में एक ऐसा आदमी है जिसकी मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उनका साथ मुझे मिला है, जस्ट अभी वो यहाँ पे आए दोस्तों। और शायद जहाँ तक हो सकता है आपकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि जितेंद्र भैया उनको एक बार लेके आओ, तो मैं सबसे पहले ज़्यादा टाइम ख़राब आपका नहीं करूँगा। कैमरे के पीछे मेरे आज पिंटू भाई के अलावा एक शख्स है जो कि मेरे भाई से भी बढ़ के है, वो मेरे साथ में, एक मिनट भाई सामने आ जाओ। तो मेरे साथ में इस लोकेशन पे आज राधे भी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं आपका छोटा भाई राधे, और यहाँ की कहानी क्या है वो आप लोगों को सबको पहले से पता है, और मैं यहाँ क्यों आया हूँ और इससे पहले जो मेरे साथ हुआ था यहाँ पे वो अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको आपके भाई के चैनल पे आना पड़ेगा। मैं यहाँ आया था जीतू भैया के कहने पे, इनसे मेरी फोन पे बात हुई थी कि ऐसी ऐसी कोई बात है, कोई स्प्रिट है जो हमें कोई रास्ता बता रही है, या वो हो सके कोई ऐसी जगह पे ले जाना चाहती है, तो हम उसका पीछा कर रहे हैं और हम यही होटल में रुके हुए हैं और आज रात को हम निकलने वाले हैं उसका पीछा करने। और जब मैं उस रास्ते पे पहुंचा तो मेरे को रास्ते में मिले थे किशन जी, ठीक है, अपने KPL भैया, उनके साथ जब मैं सर्च कर रहा था ना उस लोकेशन को, तो यार लास्ट टाइम अचानक से एक ऐसा हादसा हुआ, कुछ चीज़ दिखी थी किशन जी को और उन्होंने उसका पीछा किया, वो भाग के गए थे, उसके बाद से वो मेरे को मिले नहीं। और जब मैं आगे बढ़ा तो एक पहाड़ी थी शायद, वहाँ पे थोड़ा सा माइनर सा नेटवर्क आया, तो मैंने जीतू भैया को फिर से फ़ोन लगाया तो इन्होंने मुझे ये लोकेशन दी, और अब हम यहाँ पे तीन लोग पहुँच चुके हैं। और शायद कहीं ना कहीं से मेरे को लग रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि किशन जी भी इस जगह धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। तो अब यहाँ हुआ क्या था, मेन बात ये है कि मनोज भाई भी नहीं मिल रहे हैं मुझे, मेन बात ये है, सबसे बड़ा डर मुझे ये लग रहा है क्योंकि लोकेशन जितना सोचा ना हमने उससे ज्यादा सेंसिटिव ये जगह है। तो इसका ये भी है ना जीतू भाई के, हो सके ये जो हो रहा है ना गुमराह हो रहे लोग, शायद ये उसी चीज का काम हो, ये भी तो हो सकता है। मैं बताऊँ आपको एग्जैक्ट क्या काम है यहाँ पे, क्या है कि जो बच्ची की माँ है ना वो तो हमारी मदद कर रही है, अच्छा। उसकी बच्ची को मुक्ति दिलाना चाहती है, मगर अच्छा। वो कोई दूसरी स्पिरिट है यहाँ पे जो उसने उनको कंट्रोल करके और हमें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रही है कंटिन्यू, यही हुआ था अभी, इसीलिए हम बिछड़ गए थे सब। इसीलिए रास्ते में पूछा भी था कि ये जो रास्ता है ना जंगल वाला, इसमें कब्रिस्तान भी पड़ता है कोई? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल। इसी वजह से कोई स्पिरिट आपके साथ हुई है शायद, पता नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यू मेरे को पिछली रात में मैंने जब यहाँ पे विजिट करा था तब वो मेरे को फर्स्ट टाइम नजर आई थी, वो कैमरे में शूट नहीं हुई बस, ये कह सकते हो। भैया भैया इधर आओ जल्दी आओ, वो ले लेते हैं बोतल साथ में। हाँ बोतल लो एक बार राधे भैया, क्योंकि ये मैं लेके आया था बीच में, मैंने रास्ते में इसी से आग जलाई थी किशन जी और हमने। हाँ मेरी बात सुनिए, तो बहुत बहुत जरूरत हो सकती है, क्योंकि क्या पता उसकी अस्थियां भी अपने को मिल जाए बच्ची की, तो उसको जलाने के काम में भी आएगी अपने। मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पिंटू भाई क्या उसी मोहल्ले से है, हाँ, तो इनका है, क्या थोड़ा दिल कमजोर है, प्लीज आप कैमरा, तो एक काम करते हैं आप इनको साथ रखो, बिल्कुल मैं लाइट और कैमरा ऑपरेट करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आप ऑपरेट करो, थैंक यू वेरी मच। और आपकी ऑडियंस को यार सबसे पहले तो सॉरी कि यार इन भाइयों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा है, इसको आप पॉकेट में डाल लो, और काफी मैसेज मेरे पास भी आ रहे थे, बिल्कुल। ये तो यार एक चीज नोटिस करी क्या आपने, देखो इस तरफ देखो, ये जो पेड़ कटे हुए है ना, यहाँ पे लोग आते जाते तो है, ये तो नोट लग रहा है मेरे को। मेरी बात सुनो, मेन बात है कि जो हादसा लास्ट टाइम हम बिछड़े ना, हाँ। वो इसी लोकेशन पे बिछड़े थे हम, इससे आगे नहीं जा पाए हम, और वो आवाज देखो फिर आई आवाज, हाँ यार एक आवाज तो आ रही है इस तरफ से, कुत्तों के भौंकने की भी आवाज है, शायद कोई है उधर, मेरा दिल कह रहा है कि कोई तो है उधर। भैया 12:27 हो चुके हैं इस लोकेशन पे, 12:30 हो गए बॉस, देखो देखो सुनो आवाज, सुनो कुत्तों की आवाज आ रही, कुत्ते भौंकने भी लग गए, कुत्तों की आवाज है नहीं, देखो कोई तो एनर्जी है इधर, या कुछ है, कुछ दिखा के कहीं, ये कोई चीज गई थी यहाँ से, कैमरे में नहीं आया बॉस अभी तक कुछ ऐसा, जब तक सोच रहे होंगे मैं आपको क्लियर बोल दूं, एक मिनट ये रुकना,
वहाँ कोई है जीतू भैया, जूम करके देखा कसम से कोई चीज है जीतू भैया। भैया कोई भी नहीं, उसकी माँ आई है जो रास्ता बता रही है हमें। अच्छा अच्छा जीतू भैया, उसके पास मत जाओ, पास मत जाओ, वो जा रही है शायद, वो जा रही है यार, कोई तो चीज है वो, कसम से वो जा रही है, जा रही है, जा रही है। जाने दो उसको, जाने दो। भाई साहब बहुत ही डरावनी लग रही है ये चीज। लोकेशन जितना सोचा ना उससे भी ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए इतनी टीमों की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। यार जितू भाई, इतनी देर से अपन नोटिस कर रहे थे, तब तक कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ। ये अचानक से ये आवाज आना शुरू हुई है ना। बिल्कुल। एक बात नोटिस कर रहे हो, जगह देखो यहाँ बिल्कुल खाली था, देखो यहाँ बिल्कुल खाली था। नोटिस करो आप, यहाँ देखो जंगल। ओ भाई साहब वो पेड़ देखो सामने वाला, बी केयरफुल जीतू भैया, कसम से मेरे को ये जगह ठीक नहीं लग रही है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपसे। भैया मेन टेंशन खाई जा रही है, मनोज का पता नहीं लग रहा है और किशन जी का पता नहीं लग रहा है। इधर कोई गया है, इधर कोई गया है, कोई गया है, कोई गया है इधर से। जीतू भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वो भैया बोरी सामने सामने इसके माँ आपको प्यार से बात करो इससे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये कोई तो हिंट देने वाली है आपको, कंफर्म गारंटेड प्यार से। चीजों का भरोसा भी नहीं है, क्योंकि गुस्सा मत करो इस चीज पे। क्या तुम वही उसी की माँ हो, उस बच्ची की जिसके लिए हम इतनी मेहनत करके? अभी भी दिख रही है वो जीतू भैया फ्रेम में, वो जा रही है। ये देखो यार दोस्तों, कसम से जीतू भैया वो हवा में है, वो हवा में है वो चीज, देखो आप गौर करके देखो शायद। हाँ भैया, उसके पैर जमीन पे नहीं है भैया, वो हवा में है। वो कहाँ गई, दिख रही है क्या आपको आगे? भैया मेरे को डर लग रहा है, जंगल देखो, वो जा रही, वो जा रही है, अभी भी माइनर सी आ रही है कैमरे में। जीतू भैया यार है ना, कोई तो रहस्य है इस जगह के बारे में। इस पेड़ पे कोई था, ये क्या चीज है? यार भैया कोई इशारा हुआ। देखो देखो जीतू भैया, इस जानवर को देखो, इधर आओ, इधर आओ दौड़ के। कहाँ पे? देखो फोन में देखो। हाँ यार भैया, ये अपने को देखे जा रहा है बार बार। ओ भैया जल्दी इधर आओ, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। उस बच्ची को देखा मैंने भागते हुए इधर से। हाँ इधर से, एक सेकंड, उसकी बच्ची वही है, बच्ची को देखा मैंने, कसम खा के बोल रहा हूँ, कैमरे में ध्यान था आपका। उधर कुछ है, उधर उसकी माँ, उधर वही है, माँ है ना, और वो बच्ची यही देखा मैंने, उसकी आत्मा को देखा मैंने, खड़ी हो गई माँ है ना। हाँ एक मिनट मेरे को बात करने दो। पिंटू भैया ये बोतल है ना आपके हाथ में रखना, और जो सुरक्षा दी हुई है ना उसका पूरा ध्यान रखना, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ एक बार। जीतू भैया प्यार से बात करो, कसम से मैं कह रहा हूँ, पिंटू भैया का ध्यान रखना आप, ठीक है? इनके इनको आप साथ में रहो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ रहो, डरने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपके हाथ और पैर जोड़ता हूँ, हमें ये चीज तो पता चल चुकी है कि आप उसी बच्ची की माँ हो। ये बच्ची का दिखना ऐसा ही नहीं है, एक बच्ची अपनी माँ के पास नहीं हो सकती है। क्या हम उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आपकी बच्ची है या बच्ची का शरीर है? कुछ भी मेरे को ऐसा अगर है तो आप हिंट दो हमें, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। जीतू भैया वो जा रही है, आगे जा रही है वो, इसने सुनी है आपकी बात कसम से। भैया अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको, कुछ करने की जरूरत नहीं, अपन तीन लोग हैं, डरने की जरूरत है नहीं, इनको फॉलो करते हैं, ठीक है भैया? और कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है यार। ये जगह है क्या है कसम से, पेड़ देखो यहाँ के पेड़। जीतू भैया जीतू भैया ठीक है, देखने एक बार पावड़े से हटा के। भैया ये तो कोई कपड़ा लग रहा है बच्ची का, बच्ची की ड्रेस लग रही है। और हाँ यार भैया बच्ची का कपड़ा, ये ब्लड में भी है, ये ब्लड में हो रखा है। हाँ और ये बच्ची की, बच्ची का वेस्ट मत करो, आगे चलो, उस चीज का पीछा करो, दिख रही है क्या आगे कहीं? बोरी बोरी वो दिखी दिखी फ्रेम में, दिखी 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 कैमरे में भी आ रही है वो, रही वो खड़ी, वो आगे जा रही है। ओ भैया उधर गई, वो गई, उस तरफ गई है ना भैया। अब रुको,
जीतू भैया ये जो कपड़ा मिला है ना ये उसी ने दिखाया है, मैं बताऊँ आपको है ना कसम से। वो बच्ची का दिखना, इसीलिए मुझे लग रहा है कि अपन सही जगह लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। अकेला इंसान तो यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता। जानवर वगैरह तो नहीं है कोई, पैंथर वगैरह? दोस्तों एक चीज बोलना चाहता हूँ आपको, भले ही हमें रास्ता दिखा रही है मगर ऐसी लोकेशन और इन चीजों का फिर भी भरोसा नहीं होता है, किसी को भी नुकसान हो सकता है यहाँ पर। सब इतने एक्सपीरियंस देखे जीतू भैया, मेरे को खुद को नहीं लग रहा कि यार इन चीजों पे भरोसा करे। मगर भैया एक बात बताऊं कि आपको, जैसे अपनी हमीदा ने मदद करी थी ना उस तरीके से ही मदद नहीं कर रही है, ये बात मैंने नोटिस करी है। मुझे ये मामला समझ में नहीं आया अभी तक, कोई गलत स्पिरिट तो नहीं है ये? भैया वही कह रहा हूँ, जंगल देखो आप कहाँ पे लेके जा रही है अपने को, और जंगल देखो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। इको आ रहा है तो सिर्फ अपनी आवाज का आ रहा है डबल टकरा के। दिखा क्या पेड़ पे कुछ है क्या वहाँ? अरे यार अजीब सा लग रहा है ना, वो पेड़ ही ऐसा ही है, पेड़ ही ऐसा ही है वो। चलो आप पहले वो चीज किधर गई उस तरफ देखो आप। वो तो इस तरफ गई थी है ना, इस इन इस, ओ भाई साहब ये पेड़ देखो इधर वाला है ना, आधे भी इस तरफ गई थी, इसी तरफ देख रहा हूँ मैं भी, देखना इस तरफ गई थी ना, इस तरफ। जीतू भैया आवाज सुनो, आवाज किसी बच्ची की आवाज है यार। भैया हैं आप इस बात को नोटिस करो, आवाज आ रही है उधर से यार, अंदर से आवाज तो आ रही है मगर इस जगह को नोटिस करो, सब जगह जंगल टाइप के पेड़ है मगर ये थोड़ी जगह साफ साफ दिख रही है। इधर आओ, कुछ लग रहा है क्या आपको कहीं? भैया पिंटू भी आगे जाओ उनके साथ जाओ, आप उनके साथ जाओ। आवाज आई, आवाज आई जीतू भाई, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्लीज। आप हमें कहीं दिख नहीं रहे हो क्या? ये वही लोकेशन है जहाँ पे आपकी बच्ची की अस्थिया है? ये लोकेशन, ये हिंड है जीतू भैया। जीतू भैया थोड़ा सा चुप रह के एक आवाज सुनो, ऐसे बच्चे की आवाज आ रही है जमीन में से यार, नीचे से, इस जगह से कसम से, यहाँ पे खोदने की कोशिश करो। लेकिन ये जगह काफी पुरानी लग रही है मेरे को। ये इशारा, ये इशारा, ये दो बार इशारा दिया उसने, खोद, कंटिन्यू रखो आराम से जीतू भैया। ये जगह नहीं है, ये तीसरा इशारा है ना, इसका मतलब ये नहीं है जगह। इस तरफ खोदो, इस तरफ, इसके पास में हाँ। आवाज आ रही है यार जीतू भैया, किसी को गिरने पड़ने की। यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार, ये खड्डा किस वजह से करा हुआ है? ये देखो, ये दिख रहा है आपको भैया? कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकता मैं इस बारे में। ये भी किसी ने खोदा ही है, ये यहाँ पे भी कोई निशान है ना? हाँ। उसी को मार के देखो, पावड़ा मार के देखो एक दो। खाली खाली सी लग रही है क्या जगह नीचे से? नहीं यार भैया, फिर खाली खाली नहीं लग रही है। पिंटू भाई इस पत्थर को उठाना देखिए एक बार, इस वाले को। हाँ गुरुदेव का नाम ले लो आप, मेरे को ठीक नहीं लग रहा कसम से। एक बार सेफ्टी भी आपने ले लू भैया। हाँ पिंटू भैया गले में बांध रखा है ना आपने? नहीं जेब में। ठीक है जी, ठीक है बस कोई दिक्कत नहीं है। ओए जीतू भैया सामने वहां देखो, वो पीछे जा रही है देखो, पीछे जा रही है वो। भैया मुझे तो वही खड़ी दिख रही है यार, वो पीछे गई थी अभी। भैया यही जगह है, इतनी पास में। जीतू भैया एक बार यहाँ पावड़ा मारना, अगर कोई आवाज आए या कोई दूसरी चीज दिखे ना यहाँ से निकल लेंगे, रुकने वाले नहीं है। खोद के देखो,
जीतू भाई सामने, उधर उधर कोई, इधर आओ यार, सामने 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 ये कौन है सामने, वो देखो वो तो यार दो है भैया, ये चाल है, ये चाल है। सुनो मैं बताता हूँ, जीतू भैया से भागेंगे नहीं, सुनो थोड़ा आगे चलो पहले यहाँ से, मैं बजरंग बली जीतू भैया, ये ना ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये अपने को है ना, ये वही चीज थी जो मेरे को पहले दिखी थी, ये चीज अपने को भटकाना चाहती है। हाँ कुछ ना कुछ है भैया, भैया अच्छा हुआ यार, वो अचानक से वो व्हाइट सी चीज कहाँ से आई पता नहीं है, वही तो है जो पिछली वीडियो में शूट करी थी ना मैंने, तब भी यही चीज सामने आई थी, पीछे पीछे जा रही है, पीछे जा रही है, आराम से घबराओ मत, अब मेरी बात सुनो, ये इधर आओ, टाइम भी बहुत खतरनाक टाइम हो रहा है 12:30 का, लेकिन जीतू भैया यहाँ से निकलेंगे नहीं, मेरे पास एक चीज है, सुनो मेन बात है मनोज और किशन का दोनों पता नहीं कहाँ लापता है, और इस जंगल में उनको ऐसे छोड़ना खतरे से खाली नहीं है भैया, इन्होंने कुछ कर तो नहीं दिया, नहीं भैया ये सीन क्या है यार, हार्ट बीट बच चुकी है कसम से इस चीज को देख के, जीतू भैया एक चीज काम करते हैं, क्या लाइट कैमरा ऑफ करते हैं, हाँ। और कुछ सोचते हैं, किशन जी से मनोज जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, निकलेंगे नहीं यहाँ से आज, यही रुकेंगे बस पूरी रात, मैं हूं ना बिंदास रहो, इसीलिए आया है कि यार किस चीज का पता करे आखिर क्या है, ठीक है भैया हमारी पेड़ पे।